स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम माउंटेन्स, प्लेटो, लेक्स और कुछ जो स्ट्रेट्स हैं और पैसेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक पॉलिटिकल फीचर्स जो हैं दक्षिण अमेरिका के, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें तो दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज यदि देखा जाए तो विश्व में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान पांचवा है दक्षिण अमेरिका का। और ओवरऑल अगर आप कंट्रीज देखें तो टोटल कंट्रीज इसमें वैसे तो 13 है पर वास्तव में 12 कंट्री और फ्रेंच गुआना को डिपेंडेंसी माना जाता है क्योंकि ये फ्रांस के अंतर्गत आती है। फ्रेंच गुआना के अलावा अदर डिपेंडेंसीज या दूसरे ऐसे कई सारे भाग हैं जो दूसरे देशों के अधिकार में आते हैं, जैसे यहाँ पे फॉकलैंड नाम का आइलैंड है जो यूके के अंतर्गत आता है, और भी कई सारे द्वीप हैं जो दूसरे कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मेजर कंट्रीज तो 12 हैं, अदरवाइज 13 कंट्रीज भी बताई जाती है फ्रेंच गुआना को जोड़कर। दो प्रमुख लाइनें हैं या लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं जो दक्षिण अमेरिका से गुजरते हैं। एक तो है 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है और दूसरी है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो कि है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये मकर रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कहां से गुजरती है वो देखिए, ये गुजरती है चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राजील से। और इक्वेटर जो है विषुवत रेखा वो गुजरती है इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से। पेरू से इक्वेटर नहीं गुजरता है, पेरू के ऊपरी उत्तरी हिस्से के ऊपर से निकल जाता है इक्वेटर। सो ये आपको कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए कि कहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा गुजरती है। इसके अलावा अगर देखें पूरा जो दक्षिण अमेरिका है उसमें जितने भी आपको देश नजर आ रहे हैं वो सब तटवर्ती क्षेत्र में है, कोस्ट लाइन को टच करते हैं, जबकि दो ऐसे देश हैं जो कि कोस्ट लाइन को टच नहीं करते जो कि है बोलीविया और पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे जो हैं लैंडलॉक कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, स्थल से घिरे हुए जो देश होते हैं वो है स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री जो है वो है बोलीविया। अब पूरे साउथ अमेरिका को अगर देखें, इसका जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम भाग केप हॉर्न है, ये केप हॉर्न वाला भाग आता है चिली के अंतर्गत। और यहाँ सबसे दक्षिणतम हिस्सा जो है दक्षिण अमेरिका का, यहाँ पर एक द्वीप है, द्वीप समूह है टेरा डेल फ्यूगो नाम का, और उस द्वीप समूह का दक्षिणतम हिस्सा जो है वो चिली के क्षेत्राधिकार में आता है और उस दक्षिणतम हिस्से का नाम है केप हॉर्न। केप का मतलब होता है अंतरीप, और ये जो अंतरीप है ये दक्षिणतम भाग है दक्षिण अमेरिका का। अंतरीप का मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हल्का सा स्थल जब जल की ओर बढ़ा हुआ होता है, लैंड वाला रीजन अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है टुवर्ड्स वाटर, तो उस छोटे से हिस्से को कहा जाता है केप। जैसे ये लैंड है और ये इसका केप वाला हिस्सा है और इसमें ये वाटर है, तो इसे केप कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जल की तरफ विस्तृत है। तो इस तरह का केप हॉर्न जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब आप देखिए दक्षिण अमेरिका में ये सब चीजें हम देख चुके हैं, एरिया, पॉपुलेशन, टोटल कंट्रीज, लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी हैं और साउथमोस्ट टिप कौन सी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीजें हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए दक्षिण अमेरिका के भौतिक प्रदेश हैं ये, फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ साउथ अमेरिका, टोटल 4 फिजियोग्राफिक डिविजन हैं। सबसे पहले वेस्टर्न मोस्ट रीजन जो है सबसे पश्चिमतम भाग वो है एक सकड़ी हरी रंग की जो आपको पट्टी नजर आ रही है, ग्रीन कलर की बेल्ट है ये नैरो सी, और ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है इसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन, पश्चिमी तटवर्ती मैदान है ये वाला, और ये पूरा प्रदेश कहलाता है पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। इसके ठीक पास में स्थित है ये एंडीज पर्वतीय प्रदेश, एंडीज माउंटेन रीजन। एंडीज माउंटेन रीजन के आगे अगर देखें यहाँ ये मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश के ठीक पूर्व में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पूरा पूर्वी उच्च प्रदेश है ईस्टर्न हाईलैंड रीजन। इसके बीच में जितना भी ये प्रदेश है ये वाला क्षेत्र है ये प्लेन रीजन है जिसे सेंट्रल प्लेन रीजन या मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश या मध्यवर्ती निम्न प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं साउथ अमेरिका के जो यहाँ पे दे रखे हैं। अब नेक्स्ट में इसको और बेटर वे में देख लेते हैं।
तो अब देखिए इसमें वही चीज जो अभी हमने डिस्कस की थी, एंडीज पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और पूर्वी उच्च प्रदेश, ये चार भौतिक प्रदेश हैं। और इसमें ये ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिखी रही है आपको, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में एंडीज माउंटेन रीजन भी क्लियर होंगे। पूर्वी उच्च प्रदेश में क्या क्या सम्मिलित है, तो देखिए पूर्वी उच्च प्रदेश में ईस्टर्न हाईलैंड रीजन में सम्मिलित है एक तो ब्राजील हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च प्रदेश और गुयाना हाईलैंड, ये दोनों उच्च प्रदेश पूर्वी उच्च प्रदेश का भाग है। मैदानी प्रदेश का भाग क्या है, उसमें सम्मिलित है लानोज नाम के घास के मैदान, अमेजन नदी का बेसिन, सेल्वास नाम के वर्षा वन, उसके साथ साथ ग्रैंड चाको नाम का जो घास का मैदान है वो इसमें सम्मिलित है, और टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जिसका नाम है पेम्पास वो भी इसमें सम्मिलित है। पैटागोनिया वाला भाग जो है ये एंडीज के ठीक पूर्व में स्थित है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो टोटल चार भौतिक प्रदेश ये है दक्षिण अमेरिका के। अब दक्षिण अमेरिका के इन भौतिक प्रदेशों के बाद हम एक एक करके जो भी मेजर चीजें हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेटो, ये सब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दक्षिण अमेरिका जो है इसका एकमात्र और सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत ही है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में हमने बहुत सारे माउंटेन्स किए थे डिस्कस, इसमें केवल एक माउंटेन हमें डिस्कस करना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो माउंटेन रीजन है ये है कहाँ पर, तो ये एंडीज पर्वतीय क्षेत्र पूरा आपको पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में दिखेगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा एंडीज माउंटेन रेंज एक्सटेंडेड है। और ये इतना ज्यादा एक्सटेंडेड है और इसी वजह से ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और ये जो पर्वत श्रेणी है लंबी होने के कारण ये लगभग दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में, 7 कंट्रीज में विस्तृत है। और ये 7 देश कौन कौन से हैं, 7 देशों में देखिए ये वाला जो देश है ये है वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है तटवर्ती क्षेत्र में चिली और अर्जेंटीना। सो इन 7 देशों में एंडीज पर्वत विस्तृत है। किस प्रकार का पर्वत है ये और यहाँ इस तरह का पर्वत बना कैसे, तो ये जो पर्वत है ये नवीन वलित पर्वत है यंग फोल्ड माउंटेन। और ये यंग फोल्ड माउंटेन बना है प्लेटों के अभिसरण से, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट से। कौन सी प्लेट्स का कन्वर्जेंस हुआ है, देखिए यहाँ पर नाजका प्लेट है दक्षिण अमेरिका के ठीक पश्चिमी तट के पास, इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर एरिया में नाजका प्लेट है। नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जेंस से यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन्स बने जिन्हें हम एंडीज माउंटेन के नाम से जानते हैं। अब जब भी कभी प्लेट्स के कन्वर्जेंस से फोल्ड माउंटेन बनते हैं अक्सर वहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। और इसी वजह से एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में कई सारी ज्वालामुखी चोटियां दिखती हैं, जैसे ये ओजस डेल सलादो, ये वॉल्केनिक पीक है, एकॉनकागुआ ये वॉल्केनिक पीक है, इसके अलावा ये चिम्बराजो जो है ये भी वॉल्केनिक पीक है, कोटोपैक्सी भी वॉल्केनिक पीक है, इस तरह की बहुत सारी वॉल्केनिक पीक्स इस पर्टिकुलर रीजन में आपको दिखेंगी। अब ओवरऑल एंडीज माउंटेन की हाइएस्ट पीक की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है एकॉनकागुआ, और एकॉनकागुआ जो है ये स्थित है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर रीजन पे। और मेनली अगर आपको एक कंट्री ही सेलेक्ट करनी हो तो एकॉनकागुआ मेनली स्थित है अर्जेंटीना। एकॉनकागुआ ना सिर्फ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ जितना भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पश्चिमी गोलार्ध, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है, उसके साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध जो है सदर्न हेमिस्फीयर उसकी भी सबसे ऊंची चोटी एकॉनकागुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी क्षेत्र के बाद सेकेंड जो हाइएस्ट माउंटेन रेंज है वो एंडीज माउंटेन रेंज ही है। सो विश्व में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, लंबाई में, लेंथ में तो सबसे ज्यादा है और दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है। अब ये जो श्रेणी है जैसे मैंने बताया हाईएस्ट है सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ये जो लंबी श्रेणी है जो 7 देशों में विस्तृत है, ये टोटल इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 7,242 किलोमीटर के आसपास, 7,000 के आसपास इसकी लेंथ है किलोमीटर में। अब जो एंडीज माउंटेन रीजन है
यहाँ पर जो वॉल्केनिक पीक्स है जो मैंने बताया कोनकागुआ और ये सब वो जिस दिल से ला दो, यहाँ जो चिम्बराजो माउंटेन पीक वॉल्केनिक पीक है, चिम्बराजो पर्वत चोटी इक्वेडोर में स्थित है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपको पता है पृथ्वी जो है उसका विस्तार अधिक होता है, पृथ्वी इस तरह से प्रसारित है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, और इसी वजह से अर्थ का जो सेंटर है वहाँ से ऐसी किसी चोटी की जो दूरी है पृथ्वी के केंद्र से सबसे ज़्यादा होगी जो कि इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास इक्वेटर वाले रीजन में स्थित हो। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में इक्वेडोर वाले रीजन में मेनली स्थित है ये चिम्बराजो नाम की चोटी जो काफ़ी ऊंची है, और ऊंची होने के साथ और इक्वेटोरियल रीजन में जो बल्ज है अर्थ का उसकी वजह से अर्थ के सेंटर से सबसे ज़्यादा दूर स्थित है चिम्बराजो का चोटी क्षेत्र। तो विश्व में सबसे ज़्यादा दूर कोई भी स्थान अगर पृथ्वी केंद्र से है तो वो चिम्बराजो चोटी वाला क्षेत्र है। चिम्बराजो इज फार्देस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये मेन चीज है। अब अगर हम ओवरऑल इंडीज पर्वतीय क्षेत्र का महत्व देखें किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इनकी भूमिका है इस पर्टिकुलर रीजन में, वेस्टर्न रीजन में साउथ अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में ये लंबी पर्वत श्रेणी है और ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये दक्षिण अमेरिका में एक जलवायु विभाजक का कार्य कर रही है, क्लाइमेट डिवाइड का काम कर रही है। जलवायु विभाजक के साथ साथ ऊंची श्रेणी होने के कारण यहाँ पर कई जगह हिमनद है ऊंचाई पर, और उन हिमनदों से ग्लेशियर से निकलती है साउथ अमेरिका की मेजर रिवर्स, और इन प्रमुख नदियों में एक सबसे प्रमुख नदी जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये है अमेजन नदी। तो एंडीज पर्वत से अमेजन जैसी प्रमुख नदियों का, कोलोराडो जैसी नदियों का उद्गम होता है, तो साउथ अमेरिका की मेजर रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, और ऊंचे पर्वत हैं ये, और इसी वजह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति वेजिटेशन जो है नीचे से लेकर ऊपर तक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में गहन वनस्पति भी है, वनस्पति में विविधता भी है, वन्य जीव भी पाए जाते हैं, काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एंडीज माउंटेन के जो फॉरेस्ट हैं, उनकी एक विशेष चीज है ये एंडीज पर्वत है, और इसकी जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी ढाल पे जो वन है उन पूर्वी ढाल पे स्थित वनों को कहते हैं मोंटाना वन। तो ईस्टर्न स्लोप्स पे एंडीज के जो भी फॉरेस्ट रीजन है उन्हें मोंटाना फॉरेस्ट कहा जाता है सामान्यतः, और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ मिलती है वन्य जीव, उसमें कुछ साउथ अमेरिका के स्पेशल एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर लामा नाम का एनिमल है, यहाँ पे अल्पाका नाम के एनिमल है, इसी तरह से और भी कई सारे एनिमल्स इस एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो एंडीज माउंटेन रीजन जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब एंडीज पर्वत में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एंडीज पर्वत में अंतः पर्वतीय पठार भी स्थित है, इंटर माउंटेन प्लेटो भी है, जैसा आप यहाँ पे आपको देखने से लगता होगा या ओवरऑल आपको लगता होगा कि एंडीज एक माउंटेन की रेंज है, एक माउंटेन रेंज नहीं है, ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, पूरा एक माउंटेन का सिस्टम है। सो यहाँ पर एंडीज पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं, पश्चिम में जो श्रेणी है उसे ऑक्सीडेंटल कहा जाता है, पूर्व में जो श्रेणी है उसे ओरिएंटल कहा जाता है, इन श्रेणियों के बीच में जहाँ जहाँ गैप्स हैं या जहाँ ज़्यादा चौड़ाई है या ज्यादा गैप है उनके बीच में कई जगह पठार विकसित हुए हैं, और सबसे ज्यादा चौड़ाई जो एंडीज की देखने को मिलती है यहां इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती है। ऊपर सकड़े हैं, नॉर्दर्न पार्ट जो है एंडीज का ये थोड़ा नैरो है, सदर्न पार्ट भी नैरो है, सबसे ज्यादा चौड़ाई एंडीज की यहां है, और सबसे ज्यादा चौड़ाई यहां होने के कारण इसी क्षेत्र में पठार देखने को मिलते हैं एंडीज पर्वत के बीच में, पर्वत श्रेणियों के बीच में। यहां जो प्लेटो है वो है बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया प्लेटो। तो एंडीज पर्वत श्रेणियों के बीच में अंतः पर्वतीय पठार स्थित हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बोलीविया का पठार, बोलीविया के पठार को या पठारी क्षेत्र को यहाँ पे कहा जाता है अल्टीप्लानो, अल्टीप्लानो भी कहा जाता है। तो यहाँ एंडीज माउंटेन रीजन में इंटर माउंटेन प्लेटोज भी हैं, और फिर हमने
मोंटाना वन कहा जाता है, ईस्टर्न स्लोप्स पे ये डिस्कस किया, वॉल्केनिक पीक्स हैं, कई सारी वनस्पति है, जैव विविधता है, वाइल्ड लाइफ है, अच्छा खनिज संपन्न भी है एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, खास तौर पर कॉपर जो है, तांबे के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं, कॉपर रिजर्व बहुत ज्यादा है यहाँ। तो ओवरऑल एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है और एकमात्र पर्वत श्रेणी है। अब इस एंडीज पर्वत के बारे में जो बेसिक टेक्स्ट है वो ये है, देखिए यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया है वही सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसमें यही है, नवीन वलित पर्वत है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट नास्का प्लेट के अभिसरण से बनी है, पर्वत श्रेणी 7 देशों में, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया में विस्तृत, पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अकनकागुआ, पश्चिमी गोलार्ध के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर की भी सबसे ऊंची चोटी है, विभिन्न नदियों का उद्गम होता है यहाँ से, उदाहरण के तौर पर अमेजन और कोलोराडो नदी, जैव विविधता है यहाँ, वनस्पति विभिन्न प्रकार की, वन्य जीव विभिन्न प्रकार के, पूर्वी ढालों पर जो वन है उन्हें कहा जाता है मोंटाना वन, खनिज संपन्न है, खास तौर पर तांबे के भंडार मिलते हैं और अन्य खनिज भी हैं, चिम्बराजो नाम की चोटी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर स्थित है, और ज्वालामुखी चोटियां भी हैं कई सारी, जैसे कोटोपैक्सी, चिम्बराजो और ओजस डेल सिलादो आदि। सो ये सारी चीजें हमने एंडीज पर्वत के बारे में देख ली। अब हम बात करेंगे पठारों की, प्लेटो की। अब यहाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन कौन से पठार हैं, 4 प्रमुख पठारी क्षेत्रों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ तो है गुयाना पठार। गुयाना पठार के अलावा दूसरा जो प्रमुख पठार है वो है ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजीलियन हाईलैंड। फिर है बोलीविया का पठार जो अभी एंडीज पर्वत में हमने देखा, अंतर पर्वतीय पठार इंटरमाउंटेन, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया प्लेटो रीजन। तो ये 4 मेजर प्लेटो हम डिस्कस करेंगे, गुयाना प्लेटो एंड ऑल। सबसे पहले हम देखेंगे गुयाना के पठार को। देखिए गुयाना पठार जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कौन कौन से राज्यों में स्थित है, देशों में स्थित है और क्या क्या यहाँ की प्रमुख चीजें हैं। गुयाना पठारी क्षेत्र कुछ प्रमुख देशों में स्थित है, खास तौर पर वेनेजुएला। वेनेजुएला और उसके आसपास वाले जितने भी देश हैं उसमें इस पठार का विस्तार है। वेनेजुएला के अलावा थोड़ा सा पार्ट इस पठार का कोलंबिया में भी है, कुछ भाग जो है इस पठार का ब्राजील में भी स्थित है, कुछ भाग गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में भी स्थित है। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये पूरा ये प्लेटो रीजन है, ये पूरा पठार है, ये गुयाना उच्च भूमि है, ये पूरी की पूरी जो रेड लाइन आपको बाहर दिख रही है। So, ये इतना बड़ा प्लाटो रीजन है जो इन सब देशों में विस्तृत है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील के कुछ भाग में। अब इस माउंटेन से, इस प्लाटो से रिलेटेड मेन मेन चीजें क्या हैं और किस तरह से ये बना हुआ है। ये बहुत पुराना लैंडमार्क है, विश्व के सबसे पुराने लैंडमार्क्स भूभागों में से एक है। जब कोई बहुत पुराना पठारी क्षेत्र होता है तो अपरदन के कारण उसकी हाइट काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो इसकी पठार की ऊंचाई कम है। उसके साथ साथ पुराने पठारी क्षेत्र जो होते हैं उन्हें माना जाता है शील्ड का उदाहरण, और जहाँ पे भी शील्ड वाले पठार होते हैं उनमें पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के खनिज। तो इस पठारी क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खास तौर पर यहाँ पाए जाते हैं बॉक्साइट के, सोने के, हीरे के भंडार, अन्य खनिज भी हैं यहाँ, आयरन, मैंगनीज भी है, बट ज़्यादातर भंडार बॉक्साइट, गोल्ड और डायमंड के हैं। अब ये जो प्लेटो रीजन है ये हाईलैंड रीजन है ऊंचा उठावा, यहाँ से एक प्रमुख नदी निकलती है ओरिनोको जो आपको यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है, ये पूरा वेनेजुएला का हिस्सा है। तो वेनेजुएला में ओरिनोको नाम की नदी निकलती है जो आगे जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये जो पठारी क्षेत्र है इससे कुछ नदियों का उद्गम होता है, जैसे ओरिनोको जैसी नदियां, और ये नदियां जब इस पठार से गिरती हैं तो पठार ऊंचा भाग है, ऊंचे भाग से गिरते समय नदियां क्या बनाएंगी, जलप्रपात बनाएंगी, वाटरफॉल्स बनाएंगी। तो इस गुयाना पठारी क्षेत्र में खनिज तो मिलते ही हैं, साथ साथ नदियां बनाती हैं जलप्रपात, और उन वाटरफॉल्स का यूज किया जा सकता है जल विद्युत उत्पादन के लिए।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है ये प्लेटो रीजन, और यहाँ की जो रिवर्स हैं जो वाटरफॉल्स बनाती हैं ओरिनोको और उसकी ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ यहाँ बनाती हैं। अब इसके अलावा ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ आपको याद होगा कोलंबिया से, ब्राज़ील के कुछ भाग से इक्वेटर गुजरता है, और विषुवत रेखा के इस क्षेत्र से गुजरने के कारण इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा गहन वनस्पति पाई जाती है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो जैव विविधता की दृष्टि से भी ये पठारी क्षेत्र जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो पठारी क्षेत्र है इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पीको द नेबलिना। पीको द नेबलिना चोटी जो है ये यहाँ स्थित है, ये पर्टिकुलर रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, और ये ब्राज़ील का हिस्सा है। तो इस पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी ये है, और ये जो है ये ब्राज़ील का भाग है। तो ओवरऑल गुयाना प्लेटो पूरे दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में और उत्तर पूर्वी भाग के जो प्रमुख देश हैं उनमें विस्तृत है। पुराना पठारी क्षेत्र है, शील्ड का उदाहरण है, खनिज संपन्न है, नदियों का उद्गम होता है, नदियां जलप्रपात बनाती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के काम आता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये ऊंची चोटी भी देखने को मिलती है और जैव विविधता भी है। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल विद्युत उत्पादन और रिवर्स के ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो ये हो गया गुयाना प्लेटो के बारे में मेन चीजें। अब आगे यही चीज जो है टेक्स्ट में भी दे रखी है, उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, गुयाना पठार गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील में विस्तृत है। मैंगनीज, लोहयस, हीरा, सोना, बॉक्साइट के भंडार। पीको द नेबलिना जो है जो कि ब्राज़ील में, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ओरिनोको और उसकी सहायक नदियां यहां से निकलती हैं, ये नदियां यहां बनाती हैं जलप्रपात, और इन जलप्रपातों का उपयोग किया जाता है जल विद्युत उत्पादन के लिए। और ये जो पठारी क्षेत्र है विषुवत रेखा के पास है, इसीलिए यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है। आर्थिक दृष्टि से, ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से और जैव विविधता की दृष्टि से ये पठार महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से कैसे? क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं खनिज। ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो दिस प्लेटो रीजन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो ओवरऑल दिस प्लेटो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अमेरिका। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो प्लेटो रीजन है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड या ब्राज़ीलियन उच्च प्रदेश। अब देखिए, ब्राज़ीलियन हाईलैंड वाला रीजन जो है ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड ये दूसरे देशों में नहीं है, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड ब्राज़ील के आधे से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में विस्तृत है। मोर देन हाफ ऑफ द ब्राज़ील इज कवर्ड विद दिस प्लेटो रीजन। और ये जो ब्राज़ील में स्थित पठार है ये भी पुराना पठार है। पुराना पठारी क्षेत्र जहाँ होता है वो स्टेबल लैंडमास होता है, काफ़ी स्थिर भूभाग होता है, और स्थिर और पुराना भूभाग होने के साथ साथ वो शील्ड का भी उदाहरण होता है। तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड वाला क्षेत्र शील्ड का उदाहरण है, और जहाँ पे भी शील्ड होती है, शील्ड का उदाहरण होता है, तो वहाँ मिलते हैं बहुत सारे खनिज, मिनरल्स। सो इस प्लेटो रीजन में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। खास तौर पर इस प्लेटो रीजन में पाया जाता है आयरन ओर, लौह अयस्क के काफ़ी अच्छे भंडार यहाँ पर हैं। और ये जो ब्राज़ील का पठारी क्षेत्र है इसमें आप देखेंगे ब्रासीलिया और ये कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ और कैपिटल सिटीज़ इस प्लेटो रीजन में लोकेटेड है। इस पठारी क्षेत्र में यहाँ एक ब्राज़ील का एक मेजर राज्य है, स्टेट है, जिसका नाम है मिनास गेरास। ये ब्राज़ील का खनिजों का भंडार है इस राज्य में, और ये खनिजों का भंडार इस राज्य में इसीलिए है क्योंकि ये राज्य जो है इसमें पूरे के पूरे स्टेट में ब्राज़ीलियन हाईलैंड विस्तृत है। सो ओवरऑल ब्राज़ीलियन हाईलैंड मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से हमने गुयाना हाईलैंड में देखा था, इक्वेटर गुजरने के कारण, 0 डिग्री गुजरने के कारण वहाँ वर्षा वगैरह ज़्यादा होती है और जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है, वैसे ही ब्राज़ील के पठारी क्षेत्र में भी जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ
यहाँ से भी कुछ नदियों का उद्गम होता है, जैसे यहाँ पर साओ फ्रांसिस्को नाम की नदी का उद्गम होता है ब्राजीलियन हाईलैंड से, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर, एज वेल एज पराना रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन एंड दिस पराना रिवर। और ये जो पराना नदी यहाँ से निकलती है ये आगे जाकर पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे के सीमा क्षेत्र से होकर जाती है, और सदर्न पार्ट जो है साउथ अमेरिका का या सेंट्रल पार्ट जो है साउथ अमेरिका का वहाँ की मेजर रिवर है। तो पराना और साओ फ्रांसिस्को जैसी प्रमुख नदियां यहाँ से निकलती भी हैं, उसके साथ साथ इन नदियों के द्वारा जलप्रपात वगैरह बनाए जाते हैं और इन पे कई सारे डैम्स भी स्थित हैं जो कि जल विद्युत उत्पादन के काम आते हैं। तो ये पठारी क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ब्राजील की मेजर सिटीज यहाँ लोकेटेड है इस प्लेटो रीजन पे, और इस प्लेटो रीजन का पठारी क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा भाग है, हाइएस्ट पॉइंट, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पेको दा बेंडेरा। अब ये जो पेको दा बेंडेरा है ये इधर स्थित है साउथ ईस्टर्न पार्ट में, और ये ब्राजीलियन हाईलैंड का सबसे ऊंचा भाग है। तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड की मुख्य बात हुई। ये हाईलैंड अगर आप यहाँ देखेंगे, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, इसका विस्तार इस पर्टिकुलर रीजन तक है, पश्चिम तक भी ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। और ब्राज़ील में एक पठार है माटो ग्रोसो पठार, ये माटो ग्रोसो जो पठार है ये भी इसी ब्राजीलियन हाईलैंड का ही पार्ट है। तो ओवरऑल ब्राजीलियन उच्च भूमि में ये सब सम्मिलित है। अब ब्राजीलियन हाईलैंड का जो टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ब्राजीलियन हाईलैंड की मेजर चीजें आपको नजर आ रही है, दोनों आपको दिख रहे हैं, यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड भी दिख रहा है, गुयाना हाईलैंड भी दिख रहा है। ये जो दो उच्च प्रदेश हमने किए हैं, इन दोनों के बीच में अमेजन नदी घाटी स्थित है या अमेजन नदी बेसिन स्थित है। तो अमेजन रिवर बेसिन इन दोनों हाईलैंड्स को डिवाइड करता है। अमेजन रिवर बेसिन के नॉर्थ में स्थित है गुयाना हाईलैंड और साउथ में स्थित है ब्राजीलियन हाईलैंड। अब ब्राजील का जो पठार है उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की है वही पुराना स्थिर भूभाग है, सबसे पुराना भूभाग है, शील्ड का कारण है, और सर्वोच्च बिंदु इसका पीको दा बेंडेरा है। लॉयस के लिए महत्वपूर्ण माटो ग्रोसो पठार इसी का भाग है। साओ फ्रांसिस्को पराना जैसी नदियां निकलती है, जल विद्युत उत्पादन, जैव विविधता और इन सब चीजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये पठार। अब अगला पठार जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो प्लेटो है ये हमारा तीसरा प्रमुख पठार है, और ये तीसरा प्रमुख पठार जो है ये है बोलीविया का पठार। और ये बोलीविया का पठारी क्षेत्र अभी हमने देखा था एंडीज पर्वत की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उनके बीच में स्थित है, और एंडीज पर्वत के बीच में है इसका मतलब कैसा पठार है, अंतः पर्वतीय पठार। जब भी कहीं इंटर माउंटेन प्लेटो होता है तो उसमें दोनों तरफ से वेस्ट से ईस्ट से कहीं से भी वर्षा प्राप्त नहीं होती अधिक, और इसी वजह से सामान्यतः इंटर माउंटेन प्लेटो एरिड कंडीशन वाले होते हैं। तो बोलीविया के पठारी क्षेत्र में शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियां देखने को मिलती है। अब ये पठार, ये प्लेटो रीजन कौन कौन सी कंट्रीज में विस्तृत है, नाम से पता चल रहा है ऑब्वियसली बोलीविया में तो है ही, पर बोलीविया के आसपास जो कंट्रीज हैं उनमें भी इसका विस्तार थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पठारी क्षेत्र है ये बोलीविया में है, बोलीविया के ठीक दक्षिण में ये जो अर्जेंटीना है थोड़ा सा उसमें भी विस्तृत है, चिली में भी विस्तृत है, और इसका थोड़ा सा भाग पेरू में भी विस्तृत है। तो इन चार देशों में विस्तार है, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली और पेरू में विस्तृत है बोलीविया का पठार। अब ये जो अंतर पर्वतीय पठार है इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये पठार बना कैसे एंडीज पर्वत के बीच में, तो ये एक वॉल्केनिक प्लेटो है जो बसाल्ट लावा से बना है, और ये ज्वालामुखी पठार है इसीलिए इस पर पाई जाती है लावा की परत, लेयर ऑफ लावा इसमें पाई जाती है, प्लस इंटर माउंटेन प्लेटो होने के कारण एरिड कंडीशंस है। जहां पे एरिड कंडीशंस होती है, शुष्क परिस्थितियां, वहां अक्सर पाई जाती हैं सलाइन लेक्स, लवणीय झीलें। तो इस पठारी क्षेत्र में लवणीय झीलें भी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो आपको दिख रही है लेक, लेक पोपो, पोपो या पूपो कह सकते हैं, ये पोपो लेक जो है ये एक लवणीय झील थी, ये अब सूख चुकी है पूर्ण रूप से और लवणीय क्षेत्र में या फिर फ्लैट जो सॉल्ट पैंस होते हैं उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। तो पोपो झील जो है यहाँ की एक लवणीय झील का उदाहरण है। उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है सलार दी यूनी, ये सलार दी यूनी जो है
ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले यहाँ एक झील हुआ करती थी, अब ये पूर्ण रूप से सूख चुकी है और सूख जाने के कारण यहाँ पर पानी तो रहा नहीं है, ये थोड़ा बहुत आर्द्र भूमि है और नमक की परत बिछी हुई यहाँ पे नजर आती है। तो विश्व की सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट पैन या फिर सूखी हुई झील या नमक का जो एक मैदानी क्षेत्र है लार्जेस्ट विश्व में, वो यहाँ पे देखने को मिलता है सलार दी यूनी में, जो कि बोलीविया पठार का भाग है। तो बोलीविया पठारी क्षेत्र में लवणीय झीलें हैं। बोलीविया प्लेटो का जो सदर्न रीजन है, ये दक्षिण पश्चिमी भाग, ये पूरा हिस्सा, ये पूपो झील वाला, सलार दी यूनी वाला, ये पर्टिकुलर रीजन शुष्क है, बहुत ज़्यादा शुष्क है, और इसी वजह से यहाँ लवणीय झीलें भी हैं और सॉल्ट पैंस भी बने हुए हैं। बट इसका जो नदन पार्ट है, जहाँ पे ये टिटिकाका झील दिख रही है, ये थोड़ा बहुत आर्द्र है और आर्द्र होने के कारण इस बोलीविया के पठारी क्षेत्र में कई जगह मीठे पानी की झीलें भी देखने को मिलती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। और इन्हीं फ्रेश लेक्स का उदाहरण है ये टिटिकाका झील, जो यहाँ स्थित है पेरू और बोलीविया के बॉर्डर रीजन पे। तो टिटिकाका झील मीठे पानी की झील है इस पर्टिकुलर रीजन में, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है टिटिकाका। पूर्ण मीठे पानी की झील यहाँ है, यहाँ पर सलार दी यूनी जैसा बड़ा सा, विश्व का सबसे बड़ा जो सॉल्ट पैन है वो यहाँ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पूपो जैसी प्रमुख झील है जो पूर्ण रूप से सूख चुकी है। इन सब चीजों के अलावा और क्या है इस पठारी क्षेत्र में? तो इस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है या स्थित है लापाज नाम की बोलीविया की राजधानी। बोलीविया की एक और राजधानी है जिसे कहते हैं सुक्रे। सो बोलीविया की ऑफिशियल या फिर लीगल जो कैपिटल है वो है सुक्रे। सो ये लीगल कैपिटल है सुक्रे और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है, प्रशासनिक जो राजधानी है बोलीविया की, वो लापाज है। और ये प्रशासनिक राजधानी बोलीविया के पठार पर स्थित है और बोलीविया का पठारी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, लगभग 3,500 मीटर के ऊंचा है, उससे ज़्यादा ऊपर है, और इसी वजह से लापाज को विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी कहा जाता है या माना जाता है, हाईएस्ट कैपिटल है ये वर्ल्ड का। सो लापास को हाईएस्ट कैपिटल भी मानते हैं। अब आपने कई जगह पढ़ा होगा कि हाईएस्ट कैपिटल जो है इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो को भी माना जाता है, बट वो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है क्योंकि लापास जो है ये ओरिजिनल या लीगल कैपिटल नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मतलब सरकार या सीट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर है, और लीगल और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल है वो वास्तव में ये है। इसी वजह से ये अक्सर कन्फ्यूजन रहता है और कई जगह क्वेटो दिया हुआ होता है, बट बोलीविया की ये लापाज नाम की राजधानी ही सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है। अब इस राजधानी के अलावा कैपिटल सिटीज देख ली हमने, लेक्स देख ली, और उसके साथ साथ कौन कौन से देशों में ये विस्तृत है वो भी देख लिया। इसके अलावा ये जो बोलीविया का पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र में अंतस्थलीय अपवाहतंत्र देखने को मिलता है, मतलब कई सारी नदियां ऐसी हैं जो इस पठारी क्षेत्र में अंदर ही किसी झील आदि में लुप्त हो जाती हैं, बाहर महासागर तक नहीं पहुंच पाती, तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। पुराना प्लेटो रीजन है, पुराना नहीं है, प्लेटो रीजन है, वॉल्केनिक प्लेटो है, लावा की लेयर है, और इसीलिए जहाँ पे भी प्लेटो होता है वो मिनरल जो है रिच होता है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे खनिज पाए जाते हैं, खास तौर पर टिन और टंगस्टन के भंडार इस पठारी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल बोलीविया का जो पठारी क्षेत्र है उसके बारे में मुख्य चीज़ें, टिन टंगस्टन के भंडार, लावा की परत युक्त पठार, और ये प्रमुख झीलें, और ये सॉल्ट पैन आदि। अब आगे इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यही एंडीज की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, अंतर पर्वतीय पठार है, उसके साथ साथ अर्जेंटीना और पेरू, चिली और बोलीविया में, बोलीविया और उसके आसपास के देशों में विस्तृत है। अच्छा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत के पठार के बाद, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा माना जाता है। शुष्क परिस्थितियां, इसलिए कई सारी झीलें हैं लवणीय, और इन लवणीय झीलों में से एक प्रमुख है पूपो झील, और ये जो पूपो झील है ये सूख चुकी है पूर्ण रूप से। और इसके अलावा इस पठारी क्षेत्र पर मीठे पानी की झील भी है जिसका नाम है टिटिकाका, लावा की परत है, और पूर्वी भाग या उत्तर पूर्वी भाग जो है या उत्तरी भाग वो ज़्यादा आर्द्र है दक्षिणी भाग की तुलना में, और टिन और टंगस्टन के भंडार यहाँ देखने को मिलते हैं। अंतस्थलीय अपवाहतंत्र है,
खनिज संपन्न है। अंतस्थलीय अपवाह तंत्र मतलब यहाँ की कुछ नदियां बाहर नहीं जाती हैं, झीलों में ही लुप्त हो जाती हैं। तो ये हो गया बोलीविया के पठार के बारे में मुख्य चीजें। अब हम डिस्कस करते हैं पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया पठार जो है ये अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में विस्तृत है और इसका थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा जो है वो चिली में भी आता है, ये कुछ हिस्सा चिली का भी है। सो मेनली अर्जेंटीना में और थोड़ा सा कुछ भाग चिली में विस्तृत है। ये वाला प्लेटो रीजन बना है लावा से, या जो वॉल्केनिक प्लेटो है ज्वालामुखीय पठार है, और इसीलिए इस पठार पर भी पाई जाएगी किसकी परत, लावा की परत पाई जाती है। ये एंडीज पर्वत श्रेणी जो ये काफी ज्यादा हायर लैटिट्यूड्स पे उच्च अक्षांशों में, और हायर लैटिट्यूड्स में वेस्टलीज की वजह से वर्षा होती है, और वेस्टलीज आती है पश्चिमी दिशा से, और पश्चिमी दिशा से जब वेस्टलीज आती है तो एंडीज पर्वत उन्हें रोक लेते हैं, और इसीलिए एंडीज के ठीक पूर्व में जो पैटागोनिया पठार है वहां तक पूर्ण रूप से वर्षा पहुंच नहीं पाती। इसीलिए पैटागोनिया पठारी क्षेत्र जो है ये रेन शैडो रीजन में है एंडीज पर्वत के, और रेन शैडो रीजन या वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में है शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस, और इसीलिए ये पैटागोनिया मरुस्थलीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुका है या ये डेजर्ट रीजन है। अब ये डेजर्ट 40 डिग्री लैटिट्यूड या उसके आसपास या उससे अधिक अक्षांश में है, और हायर लैटिट्यूड्स में जब कोई डेजर्ट होता है तो वो होता है कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ पैटागोनिया मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र के ठीक ऊपर या इस प्लेटो रीजन के ठीक उत्तर में एक नदी जा बहती है जिसका नाम है कोलोराडो। तो कोलोराडो नदी जो है वो पंपास घास के मैदान और इस पैटागोनिया डेजर्ट के बीच में है, और इनकी बाउंड्रीज डिसाइड करती है, इन दोनों को सेपरेट करती है। तो कोलोराडो नदी पंपास घास के मैदान और पैटागोनिया पठारी क्षेत्र और मरुस्थली क्षेत्र के बीच में स्थित है। तो यही मुख्य चीज़ें हैं एंड पैटागोनिया मरुस्थल के बारे में, पठार के बारे में। अर्जेंटीना में स्थित है, थोड़ा सा भाग चिली में भी है, लावा की परत है, वृष्टि छाया क्षेत्र, शुष्क परिस्थितियाँ, पैटागोनिया मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। अब जो साउथ अमेरिका में दो मेजर डेजर्ट्स हैं, एक तो पैटागोनिया डेजर्ट, एक यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट। अगर एरिया वाइज देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एरिया वाइज पैटागोनिया डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है पूरे साउथ अमेरिका का। सो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल पैटागोनिया वाला है जो कि यहाँ इस पठारी क्षेत्र में स्थित है। अब ये करने के बाद प्लैटोज हम जितने भी थे वो प्रमुख पठार हम डिस्कस कर चुके हैं। पठारों के बाद हम बात करेंगे झीलों की। अब झीलों में देखिए तीन प्रमुख झीलें हमें डिस्कस करनी है, और ये झीलें हैं, एक तो है मराकाइबो झील, टिटिकाका झील, और ये है पूपो झील। इन तीन झीलों को हम डिस्कस करेंगे। खासतौर पे ये दो झीलें मराकाइबो और टिटिकाका, ये दो मेन इम्पॉर्टेंट है। मराकाइबो कहाँ है, ये जो पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है आपको वेनेजुएला का उत्तरी भाग, यहाँ स्थित है ये मराकाइबो झील। और टिटिकाका झील कहाँ है, ये अभी देखा था, बोलीविया के पठार पर, पेरू और बोलीविया के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। और ये जो पूपो झील है, ये पूपो झील स्थित है, ये भी बोलीविया में है और बोलीविया के पठार का ही भाग है। तो इन थ्री मेजर लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मराकाइबो झील के बारे में। मराकाइबो झील जो है ये वेनेजुएला के उत्तरी भाग में स्थित है, नदन पार्ट में, और वेनेजुएला की सबसे मेजर लेक भी है, कोस्टल रीजन पे स्थित है, तटवर्ती क्षेत्र पे। जो आपको ये झील दिख रही है ये थोड़ा सा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है गल्फ ऑफ वेनेजुएला से, या ओवरऑल बड़े स्तर पे बात करें तो कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। जब कोई झील किसी सागर से या खाड़ी आदि से जुड़ी हुई होती है तो उसमें अक्सर लवणीय जल प्रवेश करता है, और सलाइन वाटर एंटर होने की वजह से वो लेक कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सलाइन लेक में। तो ये जो मराकाइबो झील है ये एक सलाइन लेक है, लवणीय झील है, और ये लवणीय झील इस वजह से है क्योंकि ये कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई वेनेजुएला की प्रमुख झील है। अब ये झील जो है ये लेक मराकाइबो गल्फ ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला की खाड़ी से जुड़ी हुई है सकड़ी सी जलराशि से, और इस सकड़ी सी जलराशि को कहा जाता है तब्लाजो स्ट्रेट, तब्लाजो जल संधि। तो तब्लाजो जल संधि इन दोनों हिस्सों को जोड़ रही है। वास्तव में अगर देखा जाए
ये जो लेक मराकाइबो है, ये एक ओरिजिनल लेक के फॉर्म में नजर नहीं आती है या वास्तविक झील के रूप में नजर नहीं आती है, ये वास्तव में एक तटीय खाड़ी है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है सागर से, इसीलिए इसको तटीय खाड़ी भी माना जाता है। ये कोस्टल बे भी कंसिडर की जाती है, और अगर इसको हम कोस्टल बे माने, खाड़ी माने, तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील नहीं होगी, परंतु इसे झील माना जाता है। इसीलिए ओवरऑल पूरे अगर साउथ अमेरिका में देखें तो पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ये, टिटिकाका से भी बड़ी, लवणीय झीलों में सबसे बड़ी और ओवरऑल लेक्स में भी सबसे बड़ी झील है ये। तो ये जो है दक्षिण अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है, जो कि वास्तव में एक तटीय खाड़ी है। अब झील के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर मिलते हैं पेट्रोलियम के भंडार, और इसी वजह से वेनेजुएला का सबसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र मराकाइबो झील के आसपास वाला है, और इसीलिए वेनेजुएला की इकोनॉमी में इस झील की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो वेनेजुएला में पेट्रोलियम उत्पादन के काम आती है, और ये तब्लाजो जलसंधि जो अभी मैंने बताई, ये जोड़ती है गल्फ ऑफ वेनेजुएला को मराकाइबो झील से। तो ओवरऑल ये है मराकाइबो झील के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। अब आगे डिस्कस करते हैं दो प्रमुख झीलें, पूपो और टिटिकाका। टिटिकाका और पूपो झील को डिस्कस करते हैं। पूपो झील का अलग से मैप नहीं है, पहले टिटिकाका झील को देख लेते हैं। टिटिकाका झील दो प्रमुख देशों में विस्तृत है। ये आपको ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये बॉर्डर रीजन दर्शाता है कि दो प्रमुख देशों में विस्तृत है, और ये दो देश कौन से हैं, यहाँ दिया हुआ है, ये पेरू और मुख्यतः इस तरफ है बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर रीजन में विस्तृत है ये झील, और टिटिकाका झील जैसा अभी हमने देखा था बोलीवियन हाईलैंड का पार्ट है, बोलीवियन प्लेटो का पार्ट है, बोलीविया के पठार का हिस्सा है। मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, और फ्रेश होने के साथ साथ क्योंकि पठार के ऊपर है इसलिए काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। अक्सर जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर झीलें होती हैं तो वो झीलें कई बार सर्दियों के दौरान टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडी हो जाती हैं, जम जाती हैं, इसीलिए नौकायन उपयुक्त नहीं होती है, नेविगेबल नहीं होती है विंटर में स्पेशली। बट ये लेक ऐसी हाइट पे है जहाँ पे इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है, और थ्रू आउट द ईयर जो है ये नेविगेशन के लिए अवेलेबल होती है, नौवहन युक्त होती है या नौगम्य होती है, इसीलिए वर्ल्ड की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील इसे माना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, या विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है। और मीठे पानी की झीलों में जितनी भी साउथ अमेरिका में फ्रेश वाटर लेक्स है उसमें ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब लास्ट जो लेक है पूपो झील, इसको डिस्कस करते हैं। ये पूपो झील जो है ये भी बोलीविया के पठार पर स्थित है, और बोलीविया में ही स्थित है, बोलीविया देश के दक्षिणी भाग में। ये झील कुछ समय पहले न्यूज में रही थी क्योंकि ये झील पूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण सूख चुकी है, और सूख के कन्वर्ट हो चुकी है, एक लवणीय जो मैदान है या सॉल्ट पैन रीजन में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके साथ साथ बोलीविया में टिटिकाका झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील भी पूपो झील है, इसीलिए ये झील इंपॉर्टेंट है। सो ये दूसरी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, अब तो है नहीं, और ये लवणीय झील थी, बोलीविया के पठार पर स्थित थी क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुकी है एक सॉल्ट पैन में, और दूसरी सबसे बड़ी झील इसे माना जाता था। तो तीन प्रमुख झीलें हमने देखी, मराकाइबो, टिटिकाका और पूपो झील। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेट्स और पैसेजेस की, जलसंधियों की। तो अब देखिए जलसंधि में अगर हम देखें तो एक मेजर स्ट्रेट है तब्लाजो जलसंधि, तो हमने देखी ली मराकाइबो झील और वेनेजुएला की खाड़ी को जो जोड़ती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जलसंधि है जिसका नाम है मैगलेन जलसंधि। अब यहाँ पर स्थित है मैगलेन जलसंधि। मैगलेन जलसंधि जो है इस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं, ये जो जल वाला भाग है ये वाला पूरा हिस्सा, इसके ऊपर क्या स्थित है, इसके ऊपर यहाँ स्थित है चिली देश, और यहाँ स्थित है अर्जेंटीना, और इसके दक्षिण में ये द्वीप है, एक आइलैंड है, और इस द्वीप का नाम क्या है, तो इस द्वीप का नाम है टियरा डेल फ्यूगो। तो मैगलेन जलसंधि जो है टियरा डेल फ्यूगो आइलैंड को मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका से सेपरेट करती है। टियरा डेल फ्यूगो द्वीप से मुख्य भूभाग जो है दक्षिण अमेरिका का उसको अलग करती है मैगलेन जलसंधि। ये मैगलेन जलसंधि है पूरी,
ये पूरा मैग्लेन जनसंधि वाला क्षेत्र है, तो ये सेपरेट करती है, जोड़ती किसको है, तो ये कनेक्ट करती है यहाँ पैसिफिक ओशन को, किससे कनेक्ट कर रही है, अटलांटिक ओशन से। सो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, मुख्य भूभाग को, साउथ अमेरिका के मुख्य भूभाग को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है यहाँ पर। सो ये उसके बारे में मेन चीजें दे रखी है, वही जोड़ती है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, चिली और अर्जेंटीना को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। अब हम बात करते हैं एक पैसेज की। पैसेज क्या होता है, जल राशि से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये पैसेज स्थित है, ये है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु जिसे हम कहते हैं केप हॉर्न, जो किसके क्षेत्राधिकार में है, चिली के। सो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु चिली वाले पार्ट को, केप हॉर्न वाले हिस्से को, नीचे जो एंटार्क्टिका महाद्वीप है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, उससे सेपरेट करता है ये ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज। और ये ड्रेक पैसेज जो है यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहा है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सदर्न ओशन वाला जो रीजन है उसे आगे ये अटलांटिक ओशन के सदर्न पार्ट से कनेक्ट भी करता है। इस मैप में आपको और क्लियरली दिख रहा होगा, ये है ड्रेक्स पैसेज, जो कि यहाँ ये तो अर्जेंटीना का पार्ट है, ये जो दक्षिण का हिस्सा है ये है केप हॉर्न, जो कि किसका है, चिली का। तो चिली का ये जो केप हॉर्न वाला भाग है, इसे ये नीचे एंटार्क्टिका के साउथ शेटलैंड जो आइलैंड है, इनसे सेपरेट करता है ड्रेक पैसेज, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये ड्रेक पैसेज हमने देख लिया। अब ड्रेक पैसेज के बाद एक जो लास्ट चैनल हम देखेंगे वो देखिए कौन सा है, ये है बीगल चैनल। अब ये जो बीगल चैनल है ये कहाँ स्थित है, ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप में स्थित है। ये पूरा टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। टेरा डेल फ्यूगो का ये वाला जो हिस्सा है ये है अर्जेंटीना के अंतर्गत, और इस तरफ वाला पश्चिमी जो पूरा भाग है वो चिली के अंतर्गत आता है। और चिली और अर्जेंटीना के बीच में जो आइलैंड्स डिवाइड हुए हैं वो बीगल चैनल के बेसिस पे हुए हैं। ये यहाँ पर बीगल चैनल, ये जलराशि जो है ये पूरा पानी वाला भाग, ये बीगल चैनल है, ये पूरा का पूरा। सो कुल मिला के बीगल चैनल जो है वो स्थित कहाँ पर है, वो स्थित है टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। तो टेरा डेल फ्यूगो का जो अर्जेंटीना वाला हिस्सा है उसे चिली वाले हिस्से से अलग करता है ये पैसेज, बीगल चैनल। सो ये चैनल सेपरेट कर रहा है इन दोनों को। तो बीगल चैनल टेरा डेल फ्यूगो के दो भागों के बीच में स्थित है, जो कि ये पर्टिकुलर एरिया है। सो ये मेजर चैनल भी हमने देख लिया। तो आज जो है हमने जो भी मुख्य चीजें देखनी थी वो हमने डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, और उसके बाद बाकी जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। आप देखिए आरपीएससी में, आरएस में, प्री में 2018 में ये पूछा गया था। पनामा नहर हम कर चुके हैं, सू नहर हम कर चुके हैं, इसीलिए आंसर आप दे सकते हो। सू नहर जो है ये सुपीरियर झील और यूरोन झील के बीच में है, और पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। तो थर्ड का आंसर तो होना चाहिए 3 और बी का आंसर होना चाहिए 4। ये कौन से में मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, तो इसका आंसर ये है। बाकी जो नहरें हैं उनके बारे में भी जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी और आगे करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड, माउंटेन पीक्स से रिलेटेड। लास्ट क्लास में भी हमने एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो ये एक और उसी सीरीज में क्वेश्चन है। बाकी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करने के लिए बसता है दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, नदियों के अलावा मैदान और मरुस्थल और भी अन्य चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका की जो भी नदियां वगैरह बची है उनको हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर टुडे।